ये है जैसलमेर, जिसे गोल्डन सिटी भी कहते हैं, जो कि राजस्थान में है। यहाँ पर आकर आप जैसलमेर फोर्ट देख सकते हैं, जो कि एक यूनिक फोर्ट है। बिकॉज़ यहाँ पे जैसलमेर की 1/4 पॉपुलेशन फोर्ट में ही रिसाइड करती है। नाइट में इसकी ब्यूटी बहुत ही ज़्यादा निखर के आती है, जैसा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अब दूसरी जगह आप जा सकते हैं गड़ीसर लेक। तो जैसलमेर पानी की एकमात्र सोर्स था, लेकिन अब इसको क्या किया, टूरिस्ट के लिए भी ओपन कर दिया है। तो अब थर्ड लोकेशन की बात करें तो वो है पटवो की हवेली। यहाँ पर आकर आप राजस्थानी आर्किटेक्चर की ब्यूटी को निहार सकते हैं। जैसलमेर गए आप और आपने सैंड ड्यून्स नहीं देखा तो फिर क्या देखा। तो यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, पैरासेलिंग से लेके आपको ATV पूरी मिल जाएगी और आप उसमें एंजॉय कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं लड़कियों की सबसे फेवरेट जगह, जो कि है शॉपिंग। अगर आप ट्रेडिशनल ज्वेलरी की शौकीन हैं तो सुनारो की बास जा सकते हैं। टूरिस्ट प्लेस होने की वजह से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट यूनिक भी है। उसके अलावा आप जा सकते हैं भाटिया मार्केट, जहां आपको सिल्क फैब्रिक भी मिल जाएगा। फिर पंसारी बाज़ार में आपको होम डेकोर के एक से एक बढ़कर आइटम मिल जाएंगे। और मानक चौक से आप लेदर आइटम ले सकते हैं। और यहाँ सबसे बड़ा बाज़ार है सदर बाज़ार, जहाँ आपकी राजस्थानी कल्चर की सारी आइटम्स पूरी मिल जाएंगी। सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाएगा। सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सैंड ड्यून्स जाए, वहाँ पे डेजर्ट कैंप लेके वहाँ पे रहें। और 3 बजे से पहले पहुँचना है आपको वहाँ पे, ताकि आप सारी एक्टिविटीज़ कर सकें। उसके बाद आप जा सकते हैं जैसलमेर सिटी, वहाँ पे आप नेक्स्ट डे फोर्ट देख सकते हैं, पटवो की हवेली देख सकते हैं और गड़ीसर लेक भी देख सकते हैं। और उसके बाद शाम को आप आराम से शॉपिंग के लिए निकल सकते हैं अपनी वाइफ और फैमिली के साथ, और वहाँ जाके शॉपिंग कर सकते हैं। तो मैंने आपको ये सब चीज़ें बता दी हैं, अब आपको डायरेक्ट ले चलते हैं डेजर्ट कैंप पे, जहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया था। और वहाँ से आपको पूरा का पूरा हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे, क्या नहीं करते हैं, वो पूरी एक्टिविटी आपको समझाएंगे कि कैसे क्या होती है वहाँ पे। चलिए आगे वीडियो को देखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आगे मैं अच्छे अच्छे वीडियो और बना सकूँ और इससे बेटर बना सकूँ। थैंक यू। तो जैसलमेर हम पहुँचे 7:30 बजे के बाद, और उसके बाद फिर हमको एक वेलकम ड्रिंक मिली। उसके बाद हम लोग अंदर जाके पैक वैक करके डांस वांस दिखाते हैं आपको ये वाला। तो फाइनली हम जैसलमेर की पहुँच गए हैं और वहाँ पे डेजर्ट कैंप में पहुँच गए और रूम तक भी आ गए। वहाँ से थोड़ा पेपर वगैरह सब कुछ करके आईडी आईडी देके सब कुछ हो गया है। और अब आपको हमारा रूम बता दूँ, तो ये जो है रूम ऐसा है, यहाँ पे बढ़िया है, ये बेड है, एसी लगा हुआ है, तो एसी वाला रूम लिया है हमने। थोड़ी गर्मी लग रही है तो एसी वाला रूम ले लिया। हमारा जो बाथरूम है वो भी ठीक ठाक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, और ये ठीक ठाक सा बाथरूम है। तो यहाँ पे मोस्टली सारे ऐसे ही मिलेंगे, ज़्यादा लग्जरियस तो चाहिए नहीं था, बस आपको थोड़ा सा एक बताना था कि भाई यहाँ पे आने के बाद आपको किस टाइप के रूम्स मिलेंगे। तो ये ना तो ज़्यादा एक्सपेंसिव है और ना ज़्यादा लो कॉस्ट है, मीडियम बजट का है, बढ़िया सा रूम है। एसी वेसी मैंने चालू कर दिया और बढ़िया है। तो जैसे कि अब पूरा मैं आपको दिखाता हूँ कि ये रूम कैसा है। और हमको क्या है ना, स्पेशल चीज़ मिली है, पूरा दिखा सकते हैं यहाँ से पूरा बाहर का। तो डायरेक्ट सामने ही है, यहाँ पे डांस वगैरह होगा, डांस वगैरह आप जब होगा तब आपको बताएंगे। बिल्कुल थोड़ा सा ऑफ सीजन है ये, अभी अभी आएंगे तो ज़्यादा भीड़ आपको दिखेगी नहीं। अगर आपको शांति से आना है यहाँ पे और ज़्यादा हो हल्ला नहीं चाहिए तो आप इस वाले सीज़न में आ सकते हैं, नहीं तो आप अगर दिवाली के सीज़न में आते हैं, या फिर अगर आप आते हैं दशहरे के सीज़न में, दिवाली के सीज़न में और क्रिसमस के सीज़न में, तो आपको बहुत ही ज़्यादा भीड़ मिलेगी। तो अगर आपको ज़्यादा क्राउड ही पसंद है तो आप उस समय आ सकते हैं, नहीं तो आप इस समय भी आ सकते हैं आराम से। तो फाइनली ये थोड़ा सा फ्रेशन अप हो गए हम लोग और अभी यहाँ पे फोक डांस स्टार्ट हो गया है। वही जैसे कि आप, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे ये पूरा यहाँ का व्यू है, यहाँ पे बीच में फोक डांस स्टार्ट हो गया है। अब इधर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे टेंट्स वगैरह लगे हुए हैं, इधर पूरा पूरा इधर से लेके काफ़ी सारे टेंट्स हैं, तो काफ़ी लोग आ सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो है इस जगह पे सिटिंग का एरिया है, यहाँ पे आप है ना आराम से नाश्ता वास्ता कर सकते हैं अपना। और ये पूरा का पूरा इधर टेंट है, और वो जो लाइट जल रही है वहाँ पे वो हमारा रूम है।
तो आपको पूरा टूर दिखा दें यहाँ पे। तो बैकग्राउंड में बहुत ही तेज़ आवाज़ आने लग गई थी और उसकी वजह से मैं डायरेक्ट ऐसे ही बता देता हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट्री स्नैक लेने और एक वेलकम ड्रिंक लेने, तो यहाँ पे वो भी अवेलेबल है। और उसके बाद थोड़ी देर में डांस देखेंगे, यहाँ पे डांस देखता हूँ बढ़िया से अच्छे से। और जैसलमेर में जो आर्टिस्ट है वो लोग है ना फायर से भी स्टेज शो परफॉर्म करते हैं, तो अगर आपको वो देखना है तो आप कोई और अच्छा सा डेजर्ट कैंप लेंगे तो उसमें आपको दिख सकता है, तो जो बहुत ही लुभावना होता है तो आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा। और अभी यहाँ पे हमको डिनर अवेलेबल है और सुबह मॉर्निंग में हमको ब्रेकफास्ट भी अवेलेबल है, तो सब ये पूरा पैकेज में आता है एक साथ ही, तो आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी यहाँ पे ऑफ सीजन में ज़्यादा लोग आर्टिस्ट देख आया नहीं करते, बिकॉज मैं एक बार आया था यहाँ पे बहुत टाइम पहले की बात है। यहाँ पे जो परफॉर्मर रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, अभी ज़्यादा मुश्किल है। और यहाँ पे क्या रहता है ना, काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है उस समय जब इनका सीज़न होता है, तो सीज़न के टाइम पे यहाँ पे आएंगे तो आपको ज़्यादा लोग दिखेंगे। और अभी इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं तो बहुत ही सही है। अब बाकी ज़्यादा देर चलता है काफ़ी ज़्यादा डांस वगैरह, अभी बंद हो गया है और सीज़न में ज़्यादा चलेगा नहीं। तो यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी कि अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करा रहे हैं जैसलमेर जा रहे हैं तो कोई अच्छी ढंग की साइट से कराइए, सस्ते के चक्कर में इधर उधर साइट से मत कराइए, क्योंकि हम जब लोग गए तो हमको ये बहुत एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि साइट से बुकिंग करा दी और हमको कुछ तो भी जगह ले गए सस्ते के कारण। तो अब नेक्स्ट टाइम ये तो गलती मैं नहीं करूँगा, बट आपको भी बता रहा हूँ कि ऐसी गलती ना करें बिल्कुल भी। और जो भी पैकेज लें उसमें देख लें डिनर और ब्रेकफास्ट अब उसके अंदर इंक्लूडेड है कि नहीं, और साथ साथ ही आपको कैमल राइड भी ये लोग ही करवाते हैं तो वो भी देख लेना इंक्लूडेड है कि नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ हिमांशु एंड यू आर वॉचिंग एक्सप्लोर एंड बियॉन्ड। तो कल की जर्नी आप लोगों ने देख ली है और हमको बहुत लेट हो गया है, इतना लेट हो गया हम लोग उठने में कि हमारा सनराइज तो निकल गया है। तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं उठ के, अभी फ़िलहाल तो फटाफट नहाए धोए वहाँ से आके देखेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, तो वापस आके नहाना वापस से ज़रूरी हो गया है। तो अभी हम लोग निकलते हैं और व्यू तो बहुत अच्छा लग रहा है बाहर से, प्यारा सा लग रहा है। तो अभी हाफ तैयार होके मैं निकल रहा हूँ, अभी ब्रेकफास्ट करेंगे और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर आपको डेजर्ट से पहले लेके जाएंगे बढ़िया से। यस तो ऊपर फेस वॉश कर लिया बढ़िया, वो हो गया हाफ तैयार, अब वॉश कर लिया अब वो जरूरी। तो अभी ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर डेजर्ट से पहले भी जाते हैं और आपको बढ़िया बढ़िया से नज़ारे दिखाते हैं। तो जब तक के लिए आप थोड़ा सा एक ये नज़ारा है ये वाला इन्जॉय करिए, मैं बताता हूँ आपको। तो पीछे से बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मौसम भी आज तो ठीक है, ज़्यादा धूप तो नहीं लग रही, धूप तो कम हो गई, ऐसे ही रहता रहे तो अच्छा है। तो मौसम भी बहुत बढ़िया है और डेजर्ट सफारी के लिए निकलते हैं, सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और उसके बाद आपको जाके बताते हैं कि वहाँ पे आपको कैसा लगेगा और हमको कैसा फील हो रहा है, दोनों चीज़ें बताएंगे आपसे, बिल्कुल शेयर करेंगे। और जाने के लिए वो सेफ़ है कि नहीं और कौन कौन वहाँ पर जा सकता है, किसके लिए सेफ़ है, तो पूरी जानकारी आपको देंगे। वीडियो में बने रहिए, चलिए आइए। तो हम लोग अभी जाने वाले हैं डेजर्ट सफारी के लिए, हमारी जीप आ चुकी है, तैयार से रेडी हो गए हैं यहाँ से, आप ऐसा तो दिखने वाला है डेली आप ही। तो हम अब निकल चुके हैं यहाँ से डेजर्ट सफारी के लिए, यहाँ पे ये जो रोड है ये पूरा सा मेन रोड पे जाके मिलेगा, तो यहाँ से थोड़ा सा ऑफ रोड है और आगे से जाके मेन रोड पे आ जाएंगे हम लोग। वहाँ मेन रोड पे जाने के बाद में वापस से हम लोग ऑफ रोड लेंगे और वहाँ से होते हुए फिर हम लोग जाएंगे ड्यून्स पे, तो वहाँ पे पूरा डेजर्ट दिखाएंगे आपको बढ़िया सा अच्छा सा, जहाँ पे ये लोग लेके जाते हैं। अब देखते हैं कहाँ पे लेके जाते हैं, कितना दूर होता है, कितना अच्छा लगता है, वहाँ पे जाके आपको पूरा अच्छे से बताते हैं कि क्या होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्लांटेशन हो रखा है बहुत ज़्यादा, इधर लेफ्ट में देखिए, फिर इधर आपको मैं राइट में ले जाता हूँ, तो राइट में आप देख सकते हैं कि राइट में भी प्लांटेशन है और मिट्टी तो आ चुकी है बालू रेत वाली जो डेजर्ट की मिट्टी होती है, बट उतना वैसा नहीं लग रहा है कि हाँ भाई वैसा पूरा डेजर्टेड एरिया है, नॉर्मल है। वहाँ साइड में उधर सामने पैरासेलिंग भी हो रही है, तो आप पैरासेलिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे आके,
आराम से। अब अभी भैया ये गाड़ी रोक दी इन्होंने, अब रोकने के बाद ये गाड़ी में लगा देंगे 4x4। भैया ने गाड़ी स्टार्ट कर दी, अब स्टार्ट करने के बाद में अब चल दिए, चलते 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 इतना बढ़िया डेजर्ट लग रहा है, अच्छा डेजर्ट है और काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो ओहो तो आप भी यहाँ पे आइए, बहुत मजा आने वाला है हमको तो। स्टार्टिंग मेरे को तो स्टार्टिंग में मजा आने लग गया अभी से। ओहो और ये लाइन है और यहाँ से पूरा ही लाइन है सही सही है यार, ये अच्छा था यार। और ये एक और यहाँ पर बिल्कुल स्पीड डीप काम करेंगे यहाँ से। आकरे 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 और ये एक और बढ़िया झटके दे रही है, बहुत झटके लग रहे हैं। आगे जाएंगे थोड़ा सा आगे और थार की तरफ, थार डेजर्ट की तरफ। तो यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट है, इसके आगे फिर हम लोग थार जाएंगे और यहाँ पे ये बाइक वगैरह रेस होती है यहाँ पे, इधर उधर पैरासाइकिल हो रही है, एक बंदा उधर कर रहा है, इधर कैमल राइड्स भी हैं। तो ये आई थिंक ज़्यादा मतलब बीच में ही है, मतलब एक अलग से इन्होंने बना रखा है यहाँ पे, रेत वेत बना तो नहीं रखा होगा, बटा है बीच में अलग से रेत है। बाकी उधर उस साइड में देखेंगे तो पूरा वो नहीं है कि पूरा डेजर्टेड एरिया लग रहा है, इतना पूरा लग नहीं रहा है, इतना डेजर्टेड एरिया। बट हाँ अभी राइड करके तो काफ़ी अच्छा लगा है। अब जाते हैं वापस से थार में और थार में देखते हैं कि वहाँ पे क्या मिलता है अपन को, पूरा एकदम डेजर्ट होना चाहिए एंड टू एंड। तो अभी सेकेंड पॉइंट से निकल चुके हैं और थर्ड पॉइंट की ओर जा रहे हैं जहाँ पे थार डेजर्ट है, और वहाँ पे जाके यहाँ पे तो साइड साइड में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। अब उधर जाएंगे तो वहाँ पे पूरा भैया बोल रहे हैं कि पूरा डेजर्टेड एरिया है, तो चारों तरफ रेगिस्तानी दिखेगा पूरा, तो वहाँ पे आपको दिखाते हैं बढ़िया सी। अब आप यहाँ पे आ सकते हैं टीले पे, और जो जैसे अब लेडीज़ वगैरह हैं थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, अगर कोई प्रेग्नेंट है तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रख के आएँ, आप नहीं चढ़े तो अच्छा है, और कोई ओल्ड एज में है तो वो भी ना आए, बच्चे को लेकर ना आए क्योंकि बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप में जाते हैं अपन नीचे, एकदम गाड़ी बहुत ज़्यादा कूदती है नीचे जाती है और फिर ऊपर आते हैं, जैसे अभी हम लोग आ रहे हैं ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ऐसा फीलिंग आ रही थी। तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, तो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था वहाँ पे कि आपको कैसे समझाऊँ, तो फ़िलहाल तो ऐसा है सीन है यहाँ पे, तो अच्छा है, मज़ा आता है, सबके लिए है। तो ये था पूरा जैसलमेर का टूर कि आप कैसे एक दिन में जैसलमेर घूम सकते हैं। अब आगे हम लोग जाएंगे तनोट माता जी का मंदिर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, बिकॉज़ वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी ने जो बम गिराए थे वो फटे ही नहीं, तो पूरा फिसड्डी हो गए थे, तो वहाँ पे आपको भी लेके जाएंगे। और उसके आगे हम लोग जाएंगे जीरो लाइन बॉर्डर, वहाँ भी आपको एक्सप्लोर कराएंगे। ये दोनों चीज़ें देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एक्सप्लोर एंड बियॉन्ड। थैंक यू गाइस, बाय बाय।